हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एक्सकवेशन सेफ्टी एक्सकवेशन क्या है इसके टाइप्स कितने हैं और इसकी हैजर्ड्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे तो आइए आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे वॉट इज एक्सकवेशन यानी एक्सकवेशन क्या है इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हो एक्सकवेशन इज अ मैन मेड कट और कैविटी रिमूविंग ऑफ फ्रॉम अर्थ और मशीनरी यानी एक्सकवेशन एक मैन मेड कट या गड्ढा है जिसे मैनुअली या मशीन की हेल्प से अर्थ से सॉइल को रिमूव करके बनाया गया हो नेक्स्ट वॉट आर द टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन यानी एक्सकवेशन के टाइप्स क्या हैं इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन फर्स्ट मैनुअल एक्सकवेशन यानी हैंड टूल से मैनुअली एक्सकवेट करना सेकंड मैकेनिकल एक्सकवेशन यानी मशीन्स का यूज करके एक्सकवेशन करना नेक्स्ट व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ एक्सकवेशन यानी एक्सकवेशन में क्या खतरे हैं इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हो फर्स्ट कलेप्स ऑफ सॉयल यानी एक्सकवेशन के दौरान या आफ्टर एक्सकवेशन मिट्टी का ढहना या गिरना सेकेंड फॉल ऑफ पर्सन इन एक्सकवेटेड पिट यानी एक्सकेवेशन में किसी पर्सन का गिरना थर्ड वाटर लॉगिंग यानी एक्सकेवेशन के समय पानी का जमा होना फोर्थ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज जैसे कि पावर केबल वाटर लाइन गैस एंड फ्यूल लाइन यानी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज भी एक हैजर्ड है फिफ्थ मूवमेंट ऑफ व्हीकल नियर एक्सकवेशन यानी एक्सकेवेशन के पास व्हीकल का मूवमेंट सिक्स इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस यानी आने जाने का प्रॉपर रास्ता ना होना नेक्स्ट वट आर द सेफ्टी प्रॉशंस फॉर एक्सकवेशन यानी एक्सकवेशन के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट प्रोवाइड शोरिंग बेंचिंग और स्लॉपिंग टू प्रिवेंट कलेप्स ऑफ सॉयल यानी सोइल कलेप्स ना हो उसके लिए शोरिंग बेंचिंग और स्लॉपिंग टेक्निक यूज करना शोरिंग एक सिस्टम है जिसमें वुडन या मेटल बोर्ड से सोयल को सपोर्ट देते हैं ताकि सोयल को ना हो बेंचिंग मेथड में हम बेंच शेप में एक्सकेवेशन करते हैं ताकि सोयल कोलैप्स ना हो स्लोपिंग में हम सोयल को एक एंगल पे स्लोप बनाते हैं ताकि सोयल कोलैप्स ना हो सेकंड, बैरिकेड एक्सकेवेटेड एरिया एंड डिस्प्ले वार्निंग साइनेज टू प्रिवेंट फॉल ऑफ पर्सन यानी फॉल ऑफ पर्सन को रोकने के लिए एक्सकेवेटेड एरिया को बैरिकेड करे और वार्निंग साइनेज लगाए थर्ड यूज वाटर पंप टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सकेवेशन यानी पानी जमा ना हो उसके लिए वाटर पंप का इस्तेमाल करें फोर्थ आइडेंटिफाई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज बिफोर एक्सकवेशन एंड टेक ग्राउंड क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लाइंट यानी एक्सकेवेशन से पहले अंडरग्राउंड यूटिलिटीज का पता करे और क्लाइंट से ग्राउंड क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले और हो सके तो ऐसे एरिया में मैनुअल एक्सकेवेशन करे फिफ्थ अवॉयड व्हीकल मूवमेंट नियर एक्सकवेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ सोइल एंड एक्सकवेशन यानी एक्सकेवेशन की डेप्थ और सोयल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग व्हीकल मूवमेंट की मूवमेंट को प्रीवेंट करे नेक्स्ट वॉट इज ट्रेंच यानी ट्रेंच क्या है इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं ट्रेंच इज हुज डेप्थ इज ग्रेटर मोर देन फिफ्टीन फीट यानी ट्रेंच ऐसी एक्सकवेशन है जिसका गहराई चौड़ाई से ज्यादा होता है और ट्रेंच की लंबाई फिफ्टीन फीट से ज्यादा नहीं होता है